सर इनसे कहें जरा बैठें तो सही, सर इनसे कहें बैठें तो सही। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है, जिस नौकरी के ताने हमें दे रही हैं, वो बड़ी शदोमद के साथ 2.5 साल से वही नौकरी सर अंजाम दे रही हैं। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है? गुफ्तगू नहीं कर रही, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है साहबान के अंदर। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर इनसे कहें जरा बैठें तो सही, सर इनसे कहें बैठें तो सही। जनाबे डिप्टी स्पीकर, गुज़श्ता रोज हमारा एक भाई मुमताज मुस्तफा साहब इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए, भाग गए, तो हमने उस वक्त यह बात कही थी और मैंने ये बात कही थी कि हमें अपनी इखलाकी नॉर्म्स को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन आज इस ऐवान की फाजिल मेंबर जिस नौकरी के ताने हमें दे रही हैं, वो बड़ी शदोमद के साथ 2.5 साल से वही नौकरी सर अंजाम दे रही हैं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हमारी काबिल इज्जत बहन, और मैं हमेशा इज्जत के दायरे में रह के गुफ्तगू करता हूँ, गुफ्तगू नहीं कर रही। आज गुज़श्ता रोज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है साहबान के अंदर। मैं जब बीबी शहीद हुई जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे, हमारे सियासी इख्तलाफात थे लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आवाज़ बुलंद की। लेकिन जो बहन कह रही हैं कि पूरा पाकिस्तान में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बीबी की शहादत के बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, एक्साइज के ऑफिसेज का रिकॉर्ड आग लगाई गई, आपके गाड़ियों के रिकॉर्ड को तलफ करके उनकी जाली फाइलें बनाकर आज उसी बीबी शहीद की पार्टी के नुमाइंदगान उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते रहे। जनाब स्पीकर, ये देखें मेरी बहन है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इस ऐवान के माहौल को अच्छा रखेंगी। जनाब स्पीकर, वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की करेक्टर असैसिनेशन की, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने ये बात कही कि ये $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कायद के साथ बैठी है। ये भुट्टो के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं, वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका। जब बीबी की करेक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ आप बैठेंगे, और जनाब डिप्टी स्पीकर जिस इमरान खान की ये बात करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है, वो लंदन के अजवर रोड पे ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है, वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं, वो आज भी जेल के अंदर 10-12 के सेल के अंदर बैठा हुआ है। और काश जनाब डिप्टी स्पीकर, काश हम अपने लीडरों की मदहसराई करने से पहले, सबसे पहले हम मुसलमान हैं जनाब डिप्टी स्पीकर। ये शेर जरूर पढ़ूंगी वो ऐसे चंद नादान लोगों के लिए कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो आप हमारा, हम बहुत एहतराम करते हैं, उम्रों का भी एहतराम करते हैं, लोगों का तजुर्बे का भी करते हैं, लेकिन जब तजुर्बा हमें गलत सिमत में ले जाए तो फिर हम उस तजुर्बे को चैलेंज भी करने का हक रखते हैं, और हम करेंगे। यहाँ बैठकर कोई अपने तजुर्बे और उम्र के उम्र को लेकर हिस्ट्री को जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, तारीख को मस्क नहीं कर सकता, और तारीख यही है कि मासूम कश्मीरी आज भी अपने हक के लिए
परेशान हैं, तड़प रहे हैं और भारत मुस्तकिल उनके राइट्स को पामाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाली ज्यादती की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे जब तक उन्हें उनके हुकूक नहीं दिए जाते। सर, यहाँ पर और भी बातें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुल्क के अंदर नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहाँ पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है उसको बार बार इस ऐवान में लाकर रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। आज जो बिल आया है मैं उस पर भी बात करूंगी। आज का बिल सर, ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटा कृषि को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। तो ये बिल उस हवाले से है। अगर इस बिल को अंग्रेजी का मतन, किसी को अंग्रेजी का अक्सर या तर्जुमे लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी बहुत होता है, तो अगर कोई तर्जुमे में कहीं गुम हो चुका है तो उर्दू भी पढ़ ले और अंग्रेजी भी पढ़ ले। इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहां गलत है? ये किस मुआशरे में गलत है? ये किस पार्लियामेंट में गलत है? ये तासुर देना कि ये अदालती ऑर्डर के का कोई कॉन्फ्रंटेशन है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो कोर्ट हैज द राइट टू मेक लॉज, इट इज ओनली द पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव टू मेक लॉज, टू डू लेजिस्लेशन। नो कोर्ट कैन रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, नो कोर्ट कैन राइट अ न्यू लॉ फॉर अस।